हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे एक न्यू वीडियो में, जो कि आज आप देख सकते हो। आज हमारे पास ये बहुत पुराना चूल्हा है, मेरे पास बहुत दिन से पड़ा था। आप इसकी हालत देखो, एक बार चेक करो एक बार इसकी हालत, ये कितना धूल मिट्टी पड़ा है, बहुत दिन से बंद पड़ा था। आज हम आपको बताने वाले हैं, आपके पास भी अगर ऐसा कोई पुराना गैस स्टोव पड़ा है तो उसको नए जैसा किस तरह से हम कर सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप इसकी हालत देख सकते हो, इसकी हालत किस तरह से पूरा, मतलब नीचे से भी आप देख सकते हो, पूरा मतलब बहुत दिन से ही पड़ा हुआ है। तो हम सोचे आपको भी बता दें, आपके यहाँ पे भी ऐसा कुछ पड़ा हो तो आप किस तरह इसको नए जैसा कर सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके जो है ये ऊपर के कैप वेप सब निकाल लेंगे और इसको उल्टा करेंगे, और जो इसके ये दो स्क्रू है वो खोल के निकाल लेंगे। आपको दिखाता हूँ, काफी ईजी है, आप घर पे बैठे भी कर सकते हो इसको। आपका अगर गेस्ट हो ऐसे बहुत दिन से आपने क्लीन व्लीन नहीं किया हो तो आप घर बैठे कर सकते हो इसको, मेरे को देख के। तो इसको सब खोल लेंगे, वीडियो अंत तक का देखिएगा तभी आपको इसमें कुछ नॉलेज आएगा कि किस तरह से क्या करना है। बस को सिंपल इसको खोल के निकाल लेंगे और सेम इसी तरह इसको भी खोल के निकाल लेंगे। पर आपको याद रखना है कि बड़ा वाला कहाँ लगा था और छोटा वाला कहाँ लगा था, इस तरह से। तो फ्रेंड्स, अब इसको ये वाला भी हमने खोल लिया है, बहुत दिन से पड़ा था, देख सकते हो पूरा जाम हो चुका है। ये बंडल वंडल भी पूरा है, देखिए आप कितना जाम है ये। तो अब इसको हमने पूरा खोल लिया है, अब इसको हम कुछ सिंपली कुछ करना नहीं है। अब ये जो हमने खोल लिया, अब इसको हमको क्या करना है, पानी से पूरा क्लीन करना है। हम किस तरह से करेंगे, किस तरह से इसको करेंगे आपको बताता हूं। हमारे पास ये दो है, ये गैस स्टोव साफ करने के लिए, आप देख सकते हो ये दो। तो आप ये दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, फिलहाल हम इसको यूज कर रहे हैं। तो अभी क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हमारा गैस स्टोव है उसको इस तरह से रख देंगे और इस पर पहले पानी डालेंगे, एकदम संभल के डालना है फ्रेंड्स पानी। ये पानी डाल लिया हमने, इसको पूरा अच्छे से इस तरह से पानी डालेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, आपके पास कोई भी सोप होगा, साबुन, उसके हिसाब से इसको घस देंगे। अब इसी तरह से आप देखते जाइए इसकी प्रोसेसिंग किस तरह से हम करते हैं। जो है हमने धो दिया है, अभी इसको हमने रख दिया है सूखने के लिए, कि अभी धोने के बाद थोड़ा सूखने के लिए वहाँ साइड पर रख दिया है। तब तक अब इसको हम क्लीन करते हैं, इसको भी आप देख सकते हो, इस चक्कू से आप कोई भी नॉर्मल चक्कू से इसको क्लीन कर सकते हो। इसी तरह से हम पूरा इसका दोनों जो है क्लीन कर लेंगे। आप वीडियो देखिए एंड तक का पूरा।
गेस्ट हो था वो हमने मतलब धो लिया है। अब इसको क्या करेंगे, एक सूखे कपड़े से इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे, इस तरह से चारों तरफ से अभी इसको हम क्लीन कर लेंगे। और आपको एक खास बात बता दूं, अगर आपका चूल्हा आपने मतलब जैसे अभी धो दिया उसके बाद इसको सर्विस करवा लेना एक बार किसी के पास से, नहीं तो अगर आपको जानना है सर्विस किस तरह से करते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हो। क्योंकि अब इसको हम धोने के बाद सर्विस करेंगे, वो वीडियो आपको नहीं दिखाने वाला हूं क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके चेक कर लीजिएगा सर्विस किस तरह से करते हैं। तो अभी इसको हम इसे कपड़े से पूरा क्लीन कर देंगे जो हमारे गेस्ट हो धोने के बाद। इसको हमको सर्विस करना था, ये गेस्ट हाउस हमने कर लिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, जो हमारा जिस तरह से इसमें बंडल लगा हुआ था उस तरह से, जिस तरह से हमने इसको निकाला हुआ था उसको वापिस से उसी तरह से हम फिटिंग कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से हमने जो लगाया था उसको फटाफट उसी तरह से दोनों जो हमारे बंडल है वो फिटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब हमने जो ये दोनों बंडल है आप देख सकते हो एकदम अच्छे से फिटिंग कर लिया है। अब इसका हम दो बटन है फ्रेंड्स, आपको ये दो बटन लगा के दिखाते हैं। फाइनली चूल्हा है वो हमने कंप्लीट कर लिया है, मतलब जो हमारा गेस्ट हो है उसको धो धा के एकदम जो उसकी जाली बंडल जो है पूरा कंप्लीट कर लिया है। आप पुराना फोटो देखो, अभी जो नया गेस्ट हो है उसका फाइनल लुक देखोगे आप भी खुश हो जाओगे क्योंकि काफी आसान है, आप घर बैठे भी इसको कर सकते हो। तो अभी आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि आपने देखा इसका फाइनल लुक जो कि काफी अच्छा निकल के आया है, आप लोग ने देखा ही है। तो अगर आप एक लाइक कर दीजिएगा तो मजा आ जाएगा क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद आप लोग लाइक नहीं करते, तो लाइक करिएगा फ्रेंड्स और शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में।